जयपुर में एक एयर होस्टेस समेत चार युवक युवतियों ने शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया। घटना सिंदीकेम थाना इलाके की है, जहां एयर होस्टेस और उसके साथी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने हुए आए हुए थे और सभी नशे में धुत थे। जो पहले रेस्टोरेंट में खाना खा रहे एक फैमिली से झगड़ा करने लगे, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। फैमिली दूसरे टेबल पर बैठ गई और नशे में धुत युवक युवतियों फिर से कमेंट कर परेशान करने लगे, जिसके बाद फैमिली रेस्टोरेंट से निकलकर अपनी कार में बैठकर जाने लगी तो शराब की बोतल कार पर फेंक दी। इस कारण शीशा टूट गया। इस घटना के बाद दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। सूचना के बाद सिंदीकेम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नशे में धुत युवक युवतियों पुलिस के साथ भी बदसलूकी करना शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे तक युवक युवती खुद को बड़े परिवार का बताकर धमकाते रहे। इस घटना के बाद पुलिस जाब्ता बुलाकर सभी को थाने ले गई और शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर हवालत में बंद कर दिया। वहीं पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। या तो इन सबके बीवी को बुलाऊंगा, नंगा करके पूरा नंगा करके यहाँ बिठाऊंगा तेरे सामने, तेरे सर की सोगन, ठीक है? वो लक्ष्मी जी बैठी, मैं अपना नाम बदल दूंगा, मेरा बाप डीजीपी की औलाद नहीं, अगर नहीं बुलवाया तो विजेंद्र को रेस्टिकेट करूंगा। अब इंचार्ज भैया आप तसल्ली से बैठो, तसल्ली आपको बीवी को कहीं हाथ लगाए नहीं मुक्ति पे सही करते हो ना बात गाली मैं काटूंगा आपको। बुलाओ विजेंद्र को, बुलाओ विजेंद्र को, और बना वीडियो, बना रहे वीडियो, बना वीडियो। परसों रात को दो युवती और चार युवक, जो दोनों पक्ष ही कुल मिलाकर छह लोग थे, एक लड़की और थी, सात लोग थे। ये लोग टैक्सी चिकन रेस्टोरेंट है छोटा सा, यहाँ पर कुछ खाने आए थे, जिनमें से कुछ लोगों ने शराब पी हुई थी आपस में। पहले इनमें छोटा मोटा कहा सुनी गाली गलौच टाइप से हुआ, उसके बाद रोड पर बाहर आने के बाद में वो कहा सुनी और गाली गलौच मारपीट झगड़े में तब्दील हो गया। जब इत्तला मिली तो थाने से पुलिस गई मौके पर और उन सभी को अलग अलग करके पहले तो पूछने की कोशिश की कि भाई झगड़ा क्यों हुआ, क्या बात है, नहीं माने तो फिर उनको थाने पर लेकर आए और उसके बाद में पूछने की कोशिश की, तब थोड़ा सा और उग्र हो गए, नहीं माने, फिर उनको अरेस्ट किया, उनका मेडिकल कराया और 151 में बंद करके। और चूंकि इसी झगड़े मारपीट के दौरान उन्होंने एक गाड़ी का शीशा भी तोड़ा, जो कि लड़की इन्हीं के साथ में थी लेकिन शराब वगैरह नहीं पी हुई थी और वो बीच पेचाव कर रही थी, तो उसकी भी गाड़ी का शीशा तोड़ा, जिस लड़की ने कंप्लेंट दी, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ है चार लोगों के खिलाफ। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता यादविंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी यादविंदर, देखिए जो पूरा मामला सामने आया है, जिसके अंदर की नशे में धुत युवक युवती ने जिस तरह से एक फैमिली के ऊपर गाली गलौज की, जिसके बाद उनको हिरासत में भी ले लिया गया, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए आयुषु, मैं आपको बता दूं, हिरासत में नहीं लिया है, उनको गिरफ्तार ही कर लिया और उनको उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। दो शिकायतें जो है वो थाने में दर्ज भी हुई है, जिसमें एक जो शख्स था वो शख्स था जिसका मोबाइल जो था वो छीना गया था, उसके साथ भी बदतमीजी की गई थी। इसके अलावा जो फैमिली जो अपने भाई के साथ वहाँ पर उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आई थी, उसके साथ बदतमीजी हुई, उसकी तरफ से भी यहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि इनको शांति भंग में प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके बाद इनको शांति भंग में भंग को हवालात में डाला गया और उनकी सुबह जमानत हुई थी। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार था और रक्षाबंधन के त्योहार पर ये जो तथाकथित जो खुद को एयर होस्टेस बताती है, ये युक्ति अपने जो बॉयफ्रेंड था, जो उनका दोस्त था, उस दोस्त के साथ में और उसके साथ एक युवती और थी, उसके साथ में यहाँ पर आई थी। आने के बाद उसने रेस्टोरेंट के अंदर जब घुसी तो ये फैमिली पहले से वहां पर खाना खा रही थी। खाना खाने के दौरान ये शराब के नशे में इतने धुत थे कि उनको परेशान करने लगे। उस जो अपने परिवार के जो साथ जो युवती आई थी उसने वहां से टेबल को छोड़ा, दूसरी टेबल पे गई, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो बदसलूकी थी और जो गाली गलौज थी वो बंद नहीं हुई। उसके बाद वो फैमिली थी वहां से रेस्टोरेंट छोड़ करके अपनी गाड़ी में बैठ गई और जाने लगे, लेकिन इन्होंने वहां तक भी जो नशे में धुत जो तथाकथित जो एयर होस्टेस है उसने वहां तक भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनके अपने दोस्तों के साथ मिलकर के उनके साथ बदसलूकी, गाली गलौज और मारपीट करना शुरू कर दी। मामला इतना बढ़ गया कि उसने जो शराब की जो एक बोतल थी वो उसकी गाड़ी पे मारी, जो फैमिली आई थी उसकी, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का जो शीशा है वो टूट गया और उसके बाद उनसे बदतमीजी करने लगी, मारपीट करने लगी।
मामला करीब एक घंटे तक चलता रहा। करीब यहाँ पर सैकड़ों लोगों की जो भीड़ थी वो यहाँ पर इकट्ठी हो गई। तस्वीरें जो आप और हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह जो यहाँ पर जो युवती है वहाँ पर हंगामा उत्पात करते हुए नजर आ रही है। इसके बाद सिंधीगंज थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद दोनों को थाने ले गई। लेकिन थाने में भी इनके साथ जो युवती थी, जो साथ में जो युवक आए थे, उन्होंने बदतमीजी करना नहीं छोड़ा, बदसलूकी करना बंद नहीं किया। उसके बावजूद थानों से यहाँ थाने में यहाँ पर जो पुलिस कर्मियों से लगातार बदतमीजी करते रहे, गाली गलौज करते रहे और ये दोष दिखाते रहे कि मैं विधायक को जानता हूँ और विधायक के दम पे मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, और इतनी गंदी गाली गलौज करी कि जिनको बयां करना बहुत मुश्किल है। हालांकि वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है, हालांकि हम लोगों ने उस आवाज को दबाने की कोशिश किए क्योंकि वो आवाज शायद हम लोग सुना नहीं सकते जिस तरह की गाली गलौज जो कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि थाने में आने के बावजूद भी इन्होंने अपने रसूख का फायदा उठाया और पुलिस कर्मियों को धमकाना शुरू कर दिया, उनकी वर्दी उतरने की धमकी दी। इसके बाद मजबूरन थाने के अंदर जो SHO थी, चूंकि देर रात का घटनाक्रम हो गया था, रात को 1:30 बज चुके थे, उसके बाद संबंधित जो SHO है गुंजन सोनी वो अपने घर से वापस थाने आती है। थाने आने के बाद कार्रवाई करते हुए उनको हवालात में शांति भंग के आरोप में प्रबंध करती है और उसके बाद जो पीड़ित जो परिवार था जिनके साथ की थी उनकी तरफ से यहाँ पर एक शिकायत दी गई और एक मुकदमा दर्ज कराया गया। देन उसके बाद इनके परिजनों को सूचना दी गई। लेकिन एक बड़ी घटना है इस तरह की बदसलूकी करना, चूंकि महिला होने का नाजायज फायदा किस तरीके से जो उठाते हैं लोग बाग जो है सामाजिक तत्व है, वो नजारा यहाँ पर देखने को मिला है। बिल्कुल आयुषी जी, आदविन सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।